फिरोज भाई को शिफा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह खुसूसन फिरोज भाई को, फिरोज भाई को, फिरोज भाई को शिफा अता फरमा। आमीन। पाक विलेज लोग वाले फिरोज भाई की तबीयत खराब है, तो अपन को अपन ने कल डिसाइड करा था ना, फिर अपन उनके लिए दुआ मांगेंगे। तो आप जाओ तस्बीह भी लेके आओ, जो आपने अपने दोस्तों को दावत दी थी उनको भी बुला के लाओ, फिर अपन बैठ के दुआ करेंगे। मेरे आप ही मेरे स्कूल में मेरे साथ एमन दोस्त पढ़ती थी, वो आज अपनी नानी के घर पर आई है, उसको भी बुला के लिए जो बुला लो। आप ही मेरे दोस्त एमन है और ये इसकी छोटी बहन है। अच्छा जोहा, अस्सलाम वालेकुम एमन, आप कैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक है? आप कितने बहन भाई हो? तीन बहन भाई है, एक बहन है। कल फिरोज भाई है ना, उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं और तस्बीह भी पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे आ गए जी? आप ही सारे बच्चे आओ, फिर स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी तस्बीह निकाल लो। हमने पढ़ा इसको कबूल फरमा। आमीन। हम सबको नमाजी बना। आमीन। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। जो अस्पताल में है इनको इनको भी शिफा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह खुसूसन खुसूसन हमारे फिरोज भाई को शिफा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इनको तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। आमीन। खुसूसन फिरोज भाई को, फिरोज भाई को, फिरोज भाई को शिफा अता फरमा। आमीन। वो तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। आमीन। वो पहले की तरह तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। या अल्लाह ये बीमार हैं इनको शिफा अता फरमा। आमीन। इनके घर वालों को सब्र दे। आमीन। इनकी दादी की उम्र में बरकत अता फरमा। आमीन। इनके घर वालों और बच्चों को भी लंबी जिंदगी दे। हमारे फिरोज भाई को शिफा अता फरमा। आमीन। इनको तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। आमीन। इनको पहले की तरह तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। ये बीमार हैं इनको शिफा अता फरमा। आमीन। इनके घर वालों को सब्र दे। आमीन। इनकी दादी की उम्र में बरकत अता फरमा। आमीन। इनके घर वालों और बच्चों को भी लंबी जिंदगी दे। आमीन। दे रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे कर दे पूरी आर्जू। हम हर बेकसों की इन लोगों को